अस्सलाम वालेकुम। तो स्वागत है आपका जारिया का जायका किचन में। और आज मैं बनाऊंगी अंडे की रेसिपी। तो आप भी वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो शुरू करती हूँ बिस्मिल्लाह करके। तो बॉयल अंडे पहले उबाल ली थी, उसके बाद मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। तो अंडे हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी प्याज जो मैं चॉप करके रखी थी। तो प्याज देखिए हमारी सॉफ्ट हो गई है, ये देखिए। अब इसमें मैं टमाटर ऐड करूंगी, टमाटर चॉप कर ली हूँ चॉपर में, उसको ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी, उसके साथ साथ मसाले ऐड कर देती हूँ। मिर्ची का पाउडर एक छोटा चम्मच, हल्दी का पाउडर आधा छोटा चम्मच, धनिया का पाउडर दो छोटे चम्मच, जीरा का पाउडर आधा छोटा चम्मच, गरम मसाला एक छोटा चम्मच, क्वांटिटी के हिसाब से नमक ऐड कर दूंगी। थोड़ा से पानी ऐड करूंगी ताकि सभी मसाले अच्छी तरह से गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए हमारा प्याज और मसाले बहुत अच्छी तरह से भुंजा गया है। मैं इसमें आलू ऐड कर दूंगी, ये बड़े साइज का एक आलू है। आप अगर चाहे तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं। और अगर आपको आलू पसंद नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा। मसाले को आलू के साथ अच्छी तरह से फ्राई करूंगी। तो मसाला और आलू हमारा देखिए भुंजा गया है और तेल भी सेपरेट हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी ताकि आलू हमारा सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। थोड़ा पानी और ऐड कर दूंगी और ढक्कन को बंद कर दूंगी। चलिए फिर आलू गलने के बाद मिलती हूँ। देखिए हमारा सालन रेडी हो चुका है अंडे का। आलू भी गल गई है, सॉफ्ट हो गई है, देखिए ये देखिए सॉफ्ट हो गई है आलू भी। अब इसमें मैं अंडा जो मैं फ्राई करके रखी थी वो मैं ऐड कर दूंगी। आप अगर तल के डालना चाहते हैं अंडा बिना उबाले फ्राई करके तवे पे, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं ये मसाले में, उसमें भी बहुत ही टेस्टी लगेगा सालन।
अंडे की जो रेसिपी है बहुत ही टेस्टी लगेगी, और इस तरह से भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो चलिए हमारा अंडे का जो रेसिपी है, सालन है कहिए या तरकारी कहिए, बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है। अब इसको डिस आउट करूँगी, फिर आपको दिखाऊंगी। तो ये हमारी अंडे की बनाई हुई रेसिपी तैयार हो चुकी है, और आपको अगर मेरी बनाई हुई रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। तो चलिए दोस्तों विदा लेती हूँ, अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत की तमाम नेमतों से नवाजे। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, अस्सलाम वालेकुम।